आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं आपके साथ राधा। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान फसलों की कटाई में लगे हुए हैं और त्योहारों की शुरुआत के साथ ही मंडी में भी आवक बढ़ गई है। इधर किसानों को उम्मीद थी कि इस वर्ष सोयाबीन का बेहतर उत्पादन होगा, लेकिन उम्मीद से कम सोयाबीन निकलने से किसानों के चेहरे पर मायूसी है। किसानों का कहना है कि इस बार सोयाबीन की फसल से काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन जिस समय सोयाबीन को पानी चाहिए था उस समय बारिश नहीं हुई, इससे सोयाबीन जल्दी सूख गई और दाने छोटे रहने के साथ ही दागी हो गए। जब कुछ दिन बाद बारिश हुई तो सूखी हुई सोयाबीन की फसलों पर काफी प्रभाव पड़ा। सोयाबीन के दाने दागी एवं काले पड़ गए, जिससे किसानों को नुकसान झेलना पड़ा है। कृषि विभाग के अनुसार जिले में फसल कटाई का काम चल रहा है। इस साल जिले में कुल 2,90,000 हेक्टेयर में बोनी की गई। फसलों की शुरुआती दौर में मौसम ने किसानों का साथ दिया था, इससे किसानों को उम्मीद थी कि इस साल फसल अच्छी होगी। किसानों को बंपर आवक के साथ कीमत भी अच्छी मिलने की उम्मीद थी। शुरुआती बारिश के बाद लंबी खेच के कारण जिले के कई क्षेत्रों में फसल में अफरन, पीला मोजोक सहित कीड़े लगने की बीमारी और फिर अति वर्षा से भी सोयाबीन को नुकसान पहुंचा है। जुलाई माह के अंत से बारिश की लंबी खेच ने सबसे ज्यादा असर सोयाबीन फसल पर डाला। जब फसल पक कर तैयार होने लगी तो सितंबर में बार बार रुक रुक कर हुई बारिश ने खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाया है।